दिल्ली में बिगड़ते हालातों के लिए कांग्रेस ने केजरीवाल और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने गरीब मजदूरों के लिए जरूरी व्यवस्था की अपील भी केजरीवाल सरकार से की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष से इस मामले पर ज्यादा बात की है हमारे संवाददाता तरुण कालरा ने। रोजाना देश में कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयकिशन हमारे साथ मौजूद हैं। जयकिशन जी, कहां पर चूक हो रही है प्रशासन से? क्या लोगों के अंदर लापरवाही इतनी बरत गई है कि जान के आगे कुछ भी नहीं? बात ये लोगों की लापरवाही की बात नहीं है, बात सरकार की लापरवाही की है। सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं? 1.5 साल हो गया है, 1.25 साल हो गया है, सरकार पूरे तरीके से फेलियर है। हमारी जब सरकार होती थी, हम जब छोटी मोटी बीमारियां फैलती थी, स्प्रे कराते थे, दवाई छिड़कवाते थे, ड्रेन साफ कराते थे, सफेदी कराते थे, पेंट कराते थे, और जो सफाई व्यवस्था अच्छे से रखते थे, पार्क साफ कराते थे, रिपेयरिंग कराया करते, रोड बनाया करते, गली रोड सड़कों का इंतजाम व्यवस्था किया करते। ये सरकार तो ढिंढोरा पिटरी, झूठ और लूट के नाम पर, ये जो मलेरिया की छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, जो दूसरे मरीज हैं, उनको राम भरोसे छोड़ दिया ढिंढोरा पीट पीट करके। दिल्ली सरकार तो ये कहती थी, केजरीवाल साहब तो कहते थे कि दिल्ली की सरकार की प्रशंसा विदेशों में हो रही है, तो ये विदेशों में प्रशंसा हो रही है। कह रहे हैं हमने कोविड को जीत लिया है, ये कोविड देख लो कितनी हालात ख़राब है दिल्ली में। तो दिल्ली सरकार झूठ और लूट के सहारे चल रही है। डिमांड क्या क्या है आप इस सिचुएशन के अंदर, क्या चाहते हैं सरकार करें? सिचुएशन के अंदर सरकार को अब से पहले बहुत बड़ी व्यवस्था सारी करनी चाहिए थी। जो मैंने पहले भी कहा है कि जो बेडों का इंतजाम करना चाहिए था, उसके बाद हॉस्पिटलों को अलर्ट करना चाहिए था, सरकारी हॉस्पिटल में नई भर्ती करनी चाहिए थी, सफाई कर्मचारियों की व्यवस्थाएं अच्छे से करनी चाहिए थी, सीवर साफ करने चाहिए थे, ड्रेनेज साफ करने चाहिए थे, पार्क साफ करने चाहिए थे, सफेदियां करानी चाहिए थी। जयकिशन जी, एक तबका ये भी है जो मेट्रो सिटीज में काम की तलाश में आता है, उसका भी पलायन शुरू हो गया है। जो मजदूर लोग हैं, जिसके घर पे 2 दिन काम पर नहीं जाएंगे, रोटी नहीं बनेगी, उनकी व्यवस्थाएं करनी चाहिए सरकार ने, उनको सारी सुविधाएं देनी चाहिए। सरकार तो जीरो अपना ख्याल कर रही है। सरकार ने तो अपने ताली बजाने वाले को और केजरीवाल ने टोपी पहनने वाले को सिविल डिफेंस में भर्ती करके लूटने के लिए धंधा बना रखा है। और जो ढिंढोरा पीट रहे हैं केजरीवाल साहब, 1.5 साल से 1.25 साल से स्कूलों को बंद कर रखा है, उसके बाद रात थूकने के नाम पर, मास्क के नाम पर 2,000 रुपये के हर चौराहे पर लोग खड़े कर रखे हैं, बेरोजगारी व्यवस्थाएं पूरे तरीके से फैल रही है, लोगों को महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, लोगों के जो व्यापारियों के काम धंधे हैं जीरो कर दिए हैं। सरकार केवल केजरीवाल भी, मोदी भी, दोनों के दोनों फोटो खिंचाने पर और अपनी ऐड देने पर मस्त हैं। कई व्यापारी वर्ग हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि चूंकि उनका बिजनेस बहुत इफेक्ट हुआ है, तो सरकारों को आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। आपको लगता है तर्कसंगत है डिमांड? भारत सरकार तो जो बहुत मजबूत है ही है, दिल्ली की सरकार में तो बहुत पैसा है। जब 1,000-1,000 करोड़ रुपए, 500-500 करोड़ रुपए केजरीवाल ऐड के लिए दे सकते हैं, तो जैसी हमारी सरकारें हैं, कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकारें हैं, हमारी सरकार के पास व्यवस्थाएं कम होने के बावजूद, भारत सरकार से उनको आर्थिक मदद ना मिलने के वजह से भी हमारी सरकारें पूरे मुस्तैदी से काम कर रही हैं, और दिल्ली सरकार उंगली पकड़ करके साहब की नकल कर रही है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दिल्ली के लिए और देश के लिए, महामारी के लिए। दोनों सरकारें पूरे तरीके से फेल हैं। 1.25 साल हो गया है, इंजेक्शन वैक्सीन की बात हो रही है, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनको वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देनी चाहिए। हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, इनको उनकी बातों को अनदेखी कर दिया। बड़े शर्म की बात है, विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है, गरीब मजदूर का साथ नहीं दिया जा रहा है, किसानों के आंदोलन को, दलित माइनॉरिटी आंदोलन को, सरकारी कर्मचारी के आंदोलन को, व्यापारी के आंदोलन को दोनों सरकारों ने कुचल दिया है और महामारी में फेल हो गई। यहाँ पर कांग्रेस तीखे शब्दों के अंदर आलोचना कर रही है और महामारी के दूसरे इस लहर की विपदा के लिए केंद्र और केजरीवाल सरकार की कार्यशैली को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।